नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हो गया। यहां एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। वहीं हादसे में करीब आधा दर्जन विदेशी सैलानी घायल हो गए हैं। घायल हुए दो विदेशी सैलानियों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं विदेशी सैलानी काफी देर एम्बुलेंस का इंतजार भी करते हुए दिखाई दिए। तो मथुरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कोहरे के कारण ये बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से सड़क हादसा हुआ है, जिसमें विदेशी सैलानी जो थे उसमें घायल बताए जा रहे हैं। उन्नाव में गुस्साए किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अन्ना मवेशियों के सैकड़ों झुंड को ब्लॉक सभागार में खदेड़ कर बंद कर दिया। आपको बता दें कि अन्ना मवेशी लगातार किसानों की फसलों को भारी नुकसान कर रहे हैं, और वहीं जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के गौशालाओं पर जिम्मेदारी की अनदेखी का आरोप भी लगातार लगता आ रहा है। तो उन्नाव से खबर बता रहे हैं, जहाँ पर फसलों का नुकसान बताया जा रहा है। आवारा जानवर को लेकर क्या दिक्कतें हैं? आवारा जानवर के लिए बिगाहन खरीफ चरिक है, और ये गाय हम लोग बंद करे पंचायत घर में जा रहे हैं। सहारनपुर में आज भारतीय किसान यूनियन वर्मा के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मलिक ने बताया कि जिला कारागार के स्थानांतरण के संबंध में ही भारतीय किसान यूनियन वर्मा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन जो है जिलाधिकारी को सौंपा गया है। तो सहारनपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बता दें आपको कि इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन वर्मा के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मलिक ने बताया है कि जिला कारागार के स्थानांतरण के संबंध में भारतीय किसान यूनियन वर्मा लगातार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी को आ गया है। यहाँ जिलाधिकारी महोदय को हम ज्ञापन देने आए हैं, और गांव कांकर कोई मना नहीं, और मोहनपुर गाड़ा का प्रकरण है, और वहाँ की जमीन जिला कारागार में की गई थी, और लेकिन जिला उप जिलाधिकारी एसडीएम मैडम ने उस जमीन को अनुपयुक्त कहना शुरू कर दिया। ये कहना यह है कि वो नोजर चेंज नहीं होती, उसका कहना है। हमारा कहना सवाल यह है कि जब वहाँ आपका बन कमिश्नर आवास बन सकता है, जब वहाँ आपका उनका आवास कार्यालय बन सकता है, तो उसी बगल में जमीन है, उसी खसरा में है, उस खसरा की नोयत बदल कर जब कमिश्नर का आवास बना तो जिला कारागार क्यों नहीं बन सकती, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ में ये तीनों गांव महानगर में आ जाएंगे। हमारी ये भी मांग है कि मनानी और कंकर को ही आपका मोहनपुर गाड़ा ये आप नगर निगम आ जाएंगे। ये गाँव के लोग आए हैं, किसान आए हैं, इनकी जमीन है, ये लोग 700 बीघा जमीन वहाँ देने को तैयार है, जबकि 550 बीघा जमीन चाहिए, और 70 बीघा जमीन गांव समाज की जमीन भी वहाँ पड़ी है, इसलिए उससे ज़्यादा उपयुक्त कोई जमीन यहाँ आसपास में है भी नहीं, तो वही जिला कारागार बन गई ये हमारी ठीक। बुलंदशहर में थाना क्षेत्र गुलावर्ठी के पास ही सिकंदराबाद रोड पर बने बुलंदशहर हाईवे पर मौजूद एपी बलूम नामक एक ओयो होटल को प्रशासनिक अधिकारी स्नेह तिवारी ने सील किया है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी को ओयो होटल बंद मिला, और प्रशासनिक अधिकारी स्नेह तिवारी ने बताया कि होटल की डीएम कार्यालय में अनेकों शिकायत मिलने पर ओयो होटल को सील किया गया है। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह के आदेश पर ओयो होटल को सील किया गया है। आज गुलावटी में होटल सील किया गया, क्या मामला था? ये एपी ब्लूम ओयो होटल है सिकंदराबाद रोड पर बाईपास के पास। इसकी शिकायत जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पहुँची हुई थी, उसमें आदेशित किया गया था कि इसको सील लगा करके बंद कराया जाए, और थाने संबंधित फोर्स लेकर के हम उसमें सील लगा। तो मौके पर जैसे पहुँचे कुछ पाया गया होटल के अंदर? नहीं, बंद था होटल, बंद था होटल, बंद था, उसमें कोई नहीं। क्या नाम है आपका? आसिम। कहाँ से है? पीटरपुरी से। चाहिए क्या क्या इसके अंदर जो है, कितना इसमें लागत लगने वाली है, कब से काम स्टार्ट होने वाला, थोड़ी इसकी जानकारी दीजिए। इसका टेंडर भी प्रोसेसिंग में है, बट ये क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसमेंटल वहाँ स्टार्ट हो गया है, पुराना है, इसलिए इसे डिपार्टमेंट से पहले डैमेज करवा, और इसको तकरीबन हमें मानते हैं 3 से 3 महीने लगेंगे कम्प्लीट होने, 3-4 महीने लग जाएंगे कम्प्लीट होने।
मेरा नाम जकीर रहमान है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जिनके कार्यकाल में जिनकी सरकार में ये पुल बन रहा है और माननीय डीएम साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने पहली दफा में इसे देखते ही बोले कि ये अनसेफ है, इसे तत्काल कमेटी गठित करके इसकी आख्या मांगी। आख्या मांगने के बाद में जो है एक्शन पीडब्ल्यूडी जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जिससे आज ये नए साल में नई सौगात मिली। बस्ती वालों के भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने स्कूल बनवाने के लिए बहुत प्रयास किया और पार्षद के कांधे से कांधा मिलाकर गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुशंसा पर पिछले 6 सालों से गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें 2 साल कोरोना काल की वजह से जनमानस के हित को देखने कार्यक्रम नहीं किया गया था, पर इस बार को कार्यक्रम करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि 7 दिन चलने वाले गोरखपुर महोत्सव की विषय में विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया है कि 11 से 13 तारीख तक मुख्य आयोजन किए जाएंगे और जिसमें 11 तारीख को पद्मश्री सम्मानित मशहूर सूफी गायक कैलाश खेर 12 तारीख को भोजपुरी नाइट्स के दौरान ही सुख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी और तीसरे दिन यानी कि 13 तारीख को बॉलीवुड के मशहूर सिंगर गायक सोनू निगम अपनी प्रस्तुति देंगे। 13 तारीख को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे और इस दौरान ही एसपी सिटी कृष्ण विश्नोई ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव में आने वाले सभी दर्शकों की सुरक्षा का जिम्मा गोरखपुर पुलिस के कंधों पर है और एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिस पर गोरखपुर पुलिस कार्य करेगी और ट्रैफिक को डाइवर्ट रखा जाएगा। ये बहुत ही प्राइड की बात है कि आज से एक दिन बाद शुरू होने वाला है और इस महोत्सव में बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं और उनके साथ साथ करीबन 200 की संख्या में कुल कलाकारों की संख्या है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने 2 एडिशनल SP, 5 CO और करीबन 18 इंस्पेक्टर उन सबको जोन वार बांट के ट्रैफिक की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ से पेडलगन से जाने वाले यात्री एक लेन में जा सकेंगे और एग्जिट जो है वो अमर उजाला तिराह की तरफ से होगा और अमर उजाला की तरफ से आने वाले लोग हैं वो भी नौकायन होते हुए पार्किंग में रख पाएंगे। 5 पार्किंग इसके लिए आइडेंटिफाई की गई है और उसके साथ साथ सभी लोग बिल्कुल इमिडिएटली ज्यादा दूर पैदल ना चलना पड़े उसके लिए उनको वहां पे चंपा देवी पार्क के सामने ही पार्किंग की जगह नियत की गई है और उसके साथ साथ ड्रोन से भी उसकी सुरक्षा और AS और एंटी सबोटेज चेक भी समय समय पर किया जाएगा। LIU की चेकिंग के बाद ही व्यक्ति को एंट्री दी जाएगी। इस तरीके की तमाम मल्टीलेयर्ड सुरक्षा है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी का भी आने के अभी तक आसार हैं तो उसी को मद्देनजर करते हुए मल्टीलेयर्ड सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किए गए। सर गोरखपुर महोत्सव साल होता है ऐसे में इस बार भीड़ को लेकर क्या कितनी भीड़ होगी? हजारों की संख्या में लोग आएंगे। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और समिति के नोडल अधिकारी के रूप में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि गोरखपुर महोत्सव जो है वो 11 से लेकर 17 तारीख तक एक इवेंट रहेगा, लेकिन जो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाकी जो चीजें वो 11 से लेकर 13 तक रहेंगे। उसके बाद शिल्प मेला जो है वो कंटिन्यू रहेगा 17 तारीख तक। इसका जो उद्घाटन है वो कल 11 बजे चंपादेवी पार्क में माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद जो समापन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी कल हम लोगों के द्वारा 13 तारीख को किया जाएगा। कुल मिला के इसमें 200 से ज्यादा कलाकार शिरकत करेंगे जिसमें से लगभग 180 कलाकार जो हैं वो स्थानीय कलाकार रहेंगे और लगभग 10 कलाकार जो ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से बाहर रहेंगे और लगभग 10 कलाकार ऐसे हैं जो गोरखपुर के बाहर लेकिन उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो कुल मिला के 200 से ज्यादा के आसपास कलाकार इसमें शिरकत करेंगे। खबर गोरखपुर से है जहां पर गोला पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो व्हाट्सएप के जरिए हथियार खरीद फरोख्त के धंधे में फंसे हुए थे। आपको बता दें कि इनके पास से 3 अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है और SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि गोला पुलिस ने 3 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो व्हाट्सएप पर अलग अलग ग्रुप बनाकर हथियार खरीद कर
खरीद रहे थे और इसके साथ ही इसका धंधा भी कर रहे थे। इनके व्हाट्सएप ग्रुप के नाम भी आपराधिक नामों से जुड़े हुए हैं, जिसमें कई सदस्य भी थे और इस ग्रुप में अवैध हथियारों की तस्करी डालकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इन्हीं तस्वीरों से सुराग लगाकर गोला पुलिस ने ही तीन अभियुक्त जय सिंह और मेहताब उर्फ नायक खान, मोहम्मद अख्तर, रजा उर्फ मच्छर को गिरफ्तार किया है और इनके पास से पुलिस ने तीन अवैध तमंचा और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। असलहा खरीदने वाले लोग पकड़े गए थे बेलघाट क्षेत्र। वस्तुतः वो घटना प्रकाश में आई थी कि मुखबिर ने बताया था कि राघविंदर उर्फ बल्लू यादव हैं, अगर इन्हें आप पकड़ लेंगे तो इनके मोबाइल में तमाम असलहों के फोटोग्राफ्स मिलेंगे। उसी आधार पर फिर उनसे पूछताछ हुई तो दो आदमियों से असलहे बरामद हुए थे, लेकिन राघविंदर ने अगला पॉइंट एक जय हिंद निषाद बताया था जो गोला क्षेत्र का रहने वाला है। गोला पुलिस उसके पीछे लगी थी। जय हिंद की गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल फोन में 6-7 ग्रुप ऐसे मिले जिनके बारे में उन्होंने बताया कि ये सभी मनगढ़ंत आपराधिक किस्म के लोगों के गिरोह हैं और ये सभी असलहे खरीद फरोख्त में या लेकर के चलने में, दादागिरी करने में अपनी बहादुरी समझते हैं। इस आधार पर जय हिंद के पास से एक असलहा बरामद हुआ और जय हिंद ने ही जो नाम बताए थे उन नाम में से दो लोग हमारे हाथ लगे, महताब और मोहम्मद अख्तर रजा। स्वास्थ्य विभाग से 60 गांठ कर अवैध तरीके से बिना पंजीकरण के ही फर्जी तरीके से पीएस और बीआर पैथोलॉजी चल रही है और भरथना रोड पर लक्ष्मण वाटिका के पीछे गली में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही पीएस पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे और ब्लड बैंक खुलेआम मरीजों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। अशोकनगर में जनता इंटर कॉलेज के सामने खुलेआम सड़क पर बिना रजिस्ट्रेशन के फर्जी तरीके से बीआर पैथोलॉजी चल रही है और वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आला अधिकारी जानकर भी अनजान बने दिखाई दे रहे हैं। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 25,000 के इनामी बदमाश सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और जिनके कब्जे से पुलिस ने 2,97,100 रुपये, बता दें आपको कि नकली भारतीय करेंसी सहित नोट छापने के कई उपकरण भी बरामद किए हैं, जबकि इस गैंग के 8 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। फिरोजाबाद SSP ने बता दें आपको कि मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और बाकी फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास में जुटी हुई है। आज थाना शिकोवात पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा गुड वर्क किया गया है, जिसमें 2,97,100 जाली जो नोट हैं उनको पकड़ा गया है। साथ में पूरा सेटअप, जो नोट छापने की मशीनें वगैरह हैं उसका पूरा सेटअप पकड़ा गया है। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक 25,000 का जो नामिया है, जो मास्टरमाइंड है इसका तेजेंद्र, वो पकड़ा गया है और इसके अलावा विक्की और बॉक्सर जो यहाँ का स्टीशीटर है वो पकड़ा गया है और इसके अलावा 3 अन्य सदस्य भी इसके पकड़े गए हैं। 9 लोग इसमें एक्सपॉन्डिंग हैं, जो इनके सप्लायर्स हैं वो भी एक्सपॉन्डिंग हैं, तो उसमें उनके ऊपर में भी अभी कार्रवाई की जा रही है। इसमें खास बात यह है कि ये जो स्टीशीटर है और जो मास्टरमाइंड है, जो मास्टरमाइंड था वो पहले तिहाड़ जेल में उसने सजा काटी है और वहाँ पर उसने कोरल ड्रॉ फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर सीखा और वहाँ से उसने नोट छापने का जो है वो शुरू किया। इसमें पहले भी ये नोट छापने के जो अपराध है उसमें जेल जा चुका है और इस बार जब भी ये जेल से बाहर निकलता है तो यही कार्रवाई करता है, तो इस बार इसमें इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और 14 की कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें जो बरामद हुआ है, इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं, तजेंद्र उर्फ काका, नारायण दत्त, विक्रम सिंह, विकास और रंजीत, 5 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। खबर इटावा से है। महोत्सव में एक मजदूर के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि चाट की दुकान में काम करने वाला मजदूर सुबह टेंट में मृत पाया गया है। जसवंत नगर के सिरोल गांव का 53 वर्षीय मृतक राजू पुत्र हकीम सिंह रहने वाला है और रात को अपने काम का हिसाब कराकर मृतक गया हुआ था और पैसे मिलने के बाद शराब पीकर टेंट में सोने गया था, जिसके बाद राजू सुबह मृत पाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
यूपी के पीलीभीत जनपद में बीते दिनों हुई डॉक्टर की हत्या का पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने अपने नौकर की पुत्री की इज्जत पर हमला किया था, तो नौकर ने डॉक्टर को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और आरी से उसका गुप्तगान भी काट दिया है। और वहीं आपको बता दें कि 3 दिन पहले हुई हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। संतराम ने डॉक्टर को मारने का प्लान बनाया। संतराम का कहना है कि घटना वाले दिन उसने डॉक्टर के सर पर फावड़े से प्रहार किया, जिससे वो अचेत होकर गिर गया और बाद में आरी से ही उसका गुप्तांग भी काट दिया और जिससे डॉक्टर की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी संतराम को गिरफ्तार किया है और चालान भी भेज दिया है। एक देहरादून के रहने वाले व्यक्ति हैं, जिन जो यहाँ पर इनका पैतृक गांव पड़ता है उसमें ये आए हुए थे। 23 दिसंबर को ये आए थे और 3 तारीख से इन लोग इनके परिवार वाले इनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जिसके परिवार वालों ने सूचना 7 तारीख को अगर दी थी, जिसके बाद इनका घर जो जहाँ पर ही आए हुए थे वहाँ पर ताला तोड़कर देखा गया तो उनकी डेड बॉडी 7 तारीख को मिली थी, जिसमें कि हमारी पुलिस टीम द्वारा और क्षेत्राधिकारी पूरनपुर के अंतर्गत इस चीज़ को लेकर इसमें विवेचना की जा रही थी। और इसी में दो दिन में ही इसका अनावरण किया गया है। इनके यहाँ उसी गाँव का संतला नाम का व्यक्ति जो कि यहाँ काम करता था, उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया 3 और 4 की रात को। इसमें देखिए कि इसकी इससे जब पूछताछ की गई पकड़ने के बाद तो यूपी के फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र के ही चोटगरा रामपुर गांव में मौजूद टायर की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और आग की लपटों को देखकर फैक्ट्री के अंदर चीख पुकार भी मच गई और कर्मचारियों की चीख पुकार सुनने के बाद स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों सहित पुलिस फोर्स को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों द्वारा लगभग 2 घंटे के बाद ही आग पर काबू पाया गया। वहीं कल्याणपुर और औंग थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और आग लगने से किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है, वहीं लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर हम थाना प्रभारी से बात की गई है तो उनका कहना था कि टायर की फैक्ट्री पर आग लगी थी जिसे बुझा लिया गया है। गोरखपुर से अब खबर है जहां पर बताया जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश सहित गोरखपुर में भी कड़ाके की ठंड ने लोगों की हड्डियों को खपा दिया है और ऐसे में जरूरी है कि एहतियात के तौर पर हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें और आए दिन गोरखपुर के जिला अस्पताल में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पर इस ठंड से अपने आप को महफूज रखने के लिए बुजुर्गों को अपना खास ख्याल रखना पड़ेगा और जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजियंस डॉक्टर बी के सुमन ने इस बाबत जानकारी दी है। आखिर इस रूह को कपा देने वाली सर्दी से किस तरह से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं? तो अपने आप को बचा के रखिए ताकि वो आपको नुकसान न पहुंचाए। सर, आप कल ज्यादातर लोग रात भर जैसे कुछ लोग लोअर या गर्म उसका उपयोग करते हैं, देखिए बंद कमरे में देखिए कोई भी आदमी को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध हवा की जरूरत है, एयर कंडक्शन होना चाहिए। कंडक्शन नहीं होगा अगर ये खिड़की है, हालांकि अमूमन सभी लोग कमरे या दरवाजे खिड़कियां सब बंद करते हैं, उसमें ब्लोअर है या अंगीठी जला देते हैं, ये बहुत ही नुकसानदेह क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है और जब एक टेम्परेचर एक नॉर्मल लेवल से जब ऊपर जाने लगता है तो उसकी साइड इफेक्ट होती है और उसमें भी मरीजों को दम फूटता है और इससे लोग काफ़ी मतलब आकस्मिक निधन हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को सोने के वक्त ब्लोअर हो कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो उसको बंद कर देना चाहिए और अंगीठी हो ये सारी चीज़ें कभी ना जलाएं। अगर अलाव जलाना है अंगीठी जलाना है खुले में जलाइए या ऐसे जगह जलाइए जहां उसकी हवाएं जो है उसकी धुआं जो है फ्यूम्स बाहर निकल जाए और आपको वो नुकसान ना पहुंचाए। अभी मरीज काफ़ी खास करके सांस फूलने के मरीज आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज आ रहे हैं, ब्लड शुगर के मरीज आ रहे हैं, कोल्ड डायरिया के मरीज आ रहे हैं, तो इस तरह के मरीजों की संख्या अभी बढ़ गई है और इस तरह के मरीज आ रहे हैं जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट उपचार किया जा रहा है, जांच भी की जा रही है।
पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास कर क्या उपयोग करना चाहिए? बच्चे बुजुर्गों की खास ये है कि भाई आप अपने आप को सावधान रहें, बच्चों के लिए तो भाई उनके गार्जियन को ये सतर्क रहना जरूरी है। श्रावस्ती में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने सीएचसी सिरसिया का औचक निरीक्षण किया है। मरीजों से कुशल क्षेम जानकर चिकित्सा सुविधा की जानकारी ली है। बता दें आपको कि पंजीकरण काउंटर ओपीटी और इसके साथ ही मरीज पंजिका औषधि भंडार और टेलीमेडिसिन और प्रयोगशाला नेत्र परीक्षण गोल्डन कार्ड प्रसव कक्ष आदि का भी डीएम ने निरीक्षण किया है। और डीएम का कहना है कि तैनाती स्थल पर अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मियों पर कार्रवाई होगी। खबर काशगंज से है। काशगंज में मृतक गांव नगला बॉस में मृतक का शव पहुंचा और गाजियाबाद में पुलिस हिरासत में मारपीट के बाद धर्मपाल यादव की मौत हुई थी और वहीं परिजनों ने गांव में शव का अंतिम संस्कार करने से मना किया है। मौके पर पहुंची एसडीएम और सीओ परिजनों को समझाने में जुटे हैं। बता दें आपको कि मृतक के परिजन 1 करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। अम्मापुर थाना क्षेत्र के नगला बॉस का मृतक रहने वाला बताया जा रहा है। नाम है आपका? इनका क्या नाम है जो मृतक है? क्या बात हुई है? पुलिस वालों ने मार डाले। अच्छा, आप यहाँ गांव में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी? 1 करोड़ रुपया और बच्चे नौकरी मिले। अच्छा, हाँ, पुलिस वालों को जूस बहुत की सजा मिले, पुलिस वालों को सस्पेंड। अच्छा, हाँ सस्पेंड, बिल्कुल सेटलमेंट भी भैया है। तो काशगंज से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर मृतक गांव नगला बॉस में मृतक का शव पहुंचा है। गाजियाबाद में पुलिस हिरासत में मारपीट के बाद धर्मपाल यादव की मौत हुई थी। वहीं परिजनों ने गांव में शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। मौके पर पहुंची एसडीएम और सीओ परिजनों को समझाने में जुटे हैं। बता दें आपको कि मृतक के परिजन 1 करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। अम्मापुर थाना क्षेत्र के नगला बॉस का मृतक रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।